श्री प्रधानमंत्री को आह्वान करते हैं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष युवा एवं जुझारू नेता और आपके लोकप्रिय उम्मीदवार मेरे मित्र श्रीमान दिलीप घोष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान राहुल सिन्हा जी, श्री सुरेश पुजारी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी बाबुल सुप्रियो जी, श्री प्रभाकर तिवारी जी, भीमन कोले जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार श्री शक्ति नायक डांटन से, श्री बोकुल मुर्मू नयाग्राम से, श्री सुशील घोष गोपी बल्लभपुर से, अजय कुमार सेन जारग्राम से, विनोद बिहारी मुर्मू केशियारी से, कृष्णपद राय नारायणगढ़ से, काशीनाथ बोस सावंग से, श्रीमंत्री अंतरा भट्टाचार्य पिंगला से, श्री गौतम भट्टाचार्य खड़गपुर से, सुकुमार भुनिया देवरा से, दीपक प्रामाणिक दासपुर से, श्रीमती अंजू सिंह डोलोई घाटल से, श्री बिलास डोभाई चंद्रकोना से, श्री प्रदीप लोधा गरबेटा से, श्री दीपक पात्रा केशपुर से, श्री तुषार मुखर्जी मेघनीपुर से, मुरारी मोहन बास्के बिनपुर से और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आमार आमार प्रिय भाई एवं बोनेरा, आमी प्रथम बार खड़गपुर एसेछी, आर अपना देश भालो बासा देख खूब भालो लागे छे। पश्चिम बंगाल के चुनाव मैदान में ये मेरा पहला कार्यक्रम है और वो भी खड़गपुर से है। और खड़ग का क्या महात्म्य होता है हम जानते हैं। भाइयों बहनों, वो भी एक जमाना था जब अंग्रेज लोग भी कोलकाता आने के लिए लालायित हो गए थे।
वो भी एक वक्त था जब बंगाल जो सोचता था हिंदुस्तान को उस कदमों निशान पे चलना पड़ता था। वो भी एक वक्त था जब बंगाल पूरे हिंदुस्तान को ताकत देता था, पूरे हिंदुस्तान को चलाता था। हम कहां से कहां पहुंच गए, क्या से क्या हो गए, बर्बादी का ऐसा मंजर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य ने नहीं देखा है जो मुसीबत बंगाल झेल रहा है। भाइयों बहनों, एक जमाने का हिंदुस्तान का सिरमौर ये राज इस प्रकार से तबाह क्यों हो गया? मेरे भाइयों बहनों, 5 साल पहले हिंदुस्तान के एक नागरिक के नाते मैं सोच रहा था कि अब 34 साल का कुशासन जाएगा, बंगाल के बुरे दिन जाएंगे, बंगाल में परिवर्तन आएगा। मैं खुद भी ऐसी आशा रखता था, लेकिन आज पिछले 5 साल के हालात को मैं याद करता हूं तो मुझे लगता है कि जो 34 साल वालों ने 34 साल में जो बर्बाद किया, इन्होंने 5 साल में तबाह करके रख दिया। चौंतीस साल की बर्बादी से बंगाल की विकास यात्रा को गंभीर नुकसान हुआ, बंगाल बर्बाद हो गया, बंगाल खड्डे में जाकर के गिरा। लेकिन 5 साल में बंगाल के आम इंसान के मन को तोड़ दिया, उसको निराश कर दिया। कभी कभार रास्ता टूटता है तो रिपेयर हो सकता है, इमारत टूटे तो रिपेयर हो सकती है, सरकार के किसी काम में गिरावट आए तो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर लोगों की जिगर खत्म हो जाए, मन टूट जाए, तो उसको खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मां माटी और मानुष, ये मां माटी और मानुष की बातें करने वालों ने हर बंगाली के मन को तोड़ दिया है, उसके सपनों को चूर चूर कर दिया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, दोनों तरफ आपके लिए बर्बादी का मंजर ही मंजर है। लोगों को लगता होगा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे बना सकती है, अगर बंगाल की जनता तय करे तो चुटकी में सरकार बना सकती है। राजनीति में हिसाब नहीं होता है कि पहले 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। अरे जनता जनार्दन एक बार निकल पड़े तो कहां से कहां पहुंचा देती है। मैं आपके सामने उदाहरण हूं भैया,
मैं आपके सामने उदाहरण हूं, आप ही लोग जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, 30 साल के बाद हिंदुस्तान को पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी। अगर देश में हो सकता है तो बंगाल में तो जरूर हो सकता है। आज की मेरी खड़गपुर की सभा से मैं पश्चिम बंगाल के नागरिकों को एक विश्वास देने आया हूं। आपके करीब करीब 40 साल बर्बाद हो गए, मुझे मौका दो। भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दो, मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों, ये जो बर्बाद हो चुका है ना, उसी खंडहर में से नया बंगाल हम बना के रहेंगे भाइयों, बना के रहेंगे। मैं निराश होने वालों में से नहीं हूं, मैं परेशान होने वालों में से नहीं हूं, मैं एक आशा और विश्वास के साथ परिस्थितियों को पलटने के लिए काम करने वाला इंसान हूं। और इस मुझे बंगाल को बदलना है, बंगाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव उम्मीदवार को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पहले कभी मिले थे कि नहीं मिले थे, आपकी बिरादरी का है या नहीं है, 5 साल के लिए सब भूल जाइए, सिर्फ बंगाल की भलाई का विचार कीजिए और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, इन सारे मेरे उम्मीदवारों को विजयी बनाइए और आप देखिए बंगाल बदलता है कि नहीं बदलता। मैं मानता हूं आज भी हिंदुस्तान में अगर माता सरस्वती की सबसे ज्यादा कृपा कहीं है तो बंगाल पर है। ज्ञान, बुद्धि, तर्क, तत्वज्ञान, अगर इसका कोई सबसे बड़ा ताकतवर दावेदार कोई है तो मेरा बंगाल है, मेरे बंगाल के नागरिक है। कोई भी बंगाली की बुद्धि की चुनौती नहीं कर सकता है, और अगर वो चुनौती करता है तो वो बंगाली का अपमान करता है, अपमान करता है भाई। कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने बंगाल की ये बुद्धि को चुनौती दी है और बंगाल की बुद्धि को चुनौती करने वाले को बंगाल कभी माफ नहीं कर सकता है। आपको आश्चर्य होता होगा कौन सी चुनौती की है, मैं बताता हूं। आप मुझे कहिए, एक कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी केरल में भी चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल में भी चुनाव लड़ रहे हैं, केरल में वो कुश्ती करते हैं, बंगाल में दोस्ती करते हैं, ये बंगालियों की बुद्धि को चुनौती है कि नहीं है? बंगाल की बुद्धि को चुनौती है कि नहीं है? ये बंगाल की बुद्धि का अपमान है कि नहीं है? ये बंगाल के स्वाभिमान का अपमान है कि नहीं है? जवाब दे कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के लोग कि केरल में तो आप एक दूसरे का सर काटने वाली लड़ाई लड़ रहे हो और यहां पर्दे के पीछे ये बंगाल की बुद्धि का अपमान है, बंगाल के भद्र मानुष का अपमान है। अरे कांग्रेस में और लेफ्ट में दम होना चाहिए था,
को खुल करके स्वीकार करें कि हम अवसरवादी हैं, हम कुर्सी के लिए लालायित हैं और इसलिए हम कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। हमें बंगाल से लेना देना नहीं, हमें केरल से लेना देना नहीं, हमें तो हमारी कुर्सी से लेना देना है। ये जरा घोषित कर दो। और दीदी को भी ये अच्छा लगता है। दीदी भी कहती है आप लोग मिल जाओ, मैं चुप रहूंगी। इन लीडरों के साथ कहते हैं कि एक मीटिंग बुलाई उन्होंने और कहा बंगाल को कांग्रेस से खतरा नहीं है, बंगाल को कम्युनिस्टों से खतरा नहीं है। अगर बंगाल का कोई दुश्मन है तो भाजपा वाला है, भाजपा वाला है। हम लोग तो कभी ना कभी मिल जाएंगे, ये कभी हमारे साथ मिलेगा नहीं, इस चुनाव में उसको परास्त करो। भाइयों बहनों, ये तीनों इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ताकत लगाए हुए हैं। मैं आज बंगाल की जनता से आशीर्वाद मांगने आया हूं कि मुझे बंगाल को बचाना है, आप हमारा साथ दीजिए। और आप देखिए एक बार बंगाल की विधानसभा में हम पहुंचे नहीं कि इनकी परेशानी बड़ी नहीं, आप देख लेना। आज तो इनकी मिली भगत है, कोई किसी को कुछ कहता ही नहीं है, चल रहा है 5 साल से। ये लेफ्ट वालों ने, कांग्रेस वालों ने दीदी के खिलाफ कोई आंदोलन किया क्या? सब मिले हुए हैं। एक अकेली भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से मारा गया, लहूलुहान कर दिया गया, जेलों में बंद कर दिया गया, यही बताता है कि अगर इन लोगों को डर है तो ये ईमानदारी का डर है, सात्विक ताकत का डर है, बंगाल के समर्पित नौजवान लोगों का डर है उनको। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि हमें बंगाल को बचाना है। भाइयों बहनों, एक जमाना था जब बंगाल उद्योगों की राजधानी हुआ करती थी, हर प्रकार के उद्योग यहां होते थे। आज क्या हुआ? लेप ने उसकी कमर तोड़ दी, इन्होंने इसको कब्रिस्तान में डाल दिया। भाइयों बहनों, ये बर्बादी कभी भी बंगाल के नौजवानों का भविष्य का भला नहीं कर सकती। भाइयों बहनों, मैं बंगाल के नौजवानों को पूछना चाहता हूं, आपके लिए बंगाल में रोजगार के अवसर है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, रोजगार के कोई अवसर है क्या? आप अगर सोचे कि हां रोजी रोटी कमाएंगे, बूढ़े मां बाप की सेवा करेंगे, ये बंगाल में आज संभव है क्या? और बंगाल छोड़कर के जाने के लिए मजबूर करना पड़े, कौन जिम्मेवार है आपकी इस मुसीबतों के लिए? आपके भविष्य को जिन्होंने तबाह कर दिया, क्या फिर से उनको ले आओगे? मैं बंगाल के नागरिकों से कहता हूं, इस बार ताकत दिखाइए, मुड़ करके देखिए मत। और मैं तो आज पहली चुनाव सभा में आया हूं, मैं लोकसभा में भी बंगाल में प्रवास किया था, पिछली विधानसभा में भी गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते मैं दौरा किया था, लेकिन मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था।
मैं हेलीकॉप्टर से यहां आया, रास्ते की दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन वॉल था, ह्यूमन वॉल। इतना प्यार लोग बरसा रहे थे और मुझे धनक हो गई भाइयों, अब बंगाल ने भाजपा को स्वीकार करने का मूड बना दिया। लोगों ने तय कर लिया है, इन लोगों से अगर आज कोई अच्छा है, अकेली भारतीय जनता पार्टी है। भाइयों बहनों, पांच साल पहले जब मैं सुनता था परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, तो मुझे भी लगता था कि परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आया, लेकिन कहां आया? दीदी के स्वभाव में परिवर्तन आया, दीदी के इरादों में परिवर्तन आया, दीदी की कार्यशैली में परिवर्तन आया। बंगाल में परिवर्तन नहीं आया, विपक्ष में सड़कों पर लड़ाई लड़ने वाली ममता दीदी, उसमें ऐसा परिवर्तन आया को एक प्रकार से शहंशाह बनी गई और उसको किसी की परवाह नहीं है। ये लोकतंत्र में परिवर्तन नहीं चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच आग्रह करने आया हूं, क्या आपने भ्रष्टाचार करने के लिए ये सरकार बनाई थी? जरा पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई थी? भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार बनाई थी? पहले शारदा, अब नारदा। पहले शारदा, शारदा से नारदा तक पूरी की पूरी लीडरशिप कैमरा के सामने है। अगला हफ्ता कब दोगे? क्या ये परिवर्तन चाहते थे आप? ये परिवर्तन चाहिए? ये कैमरा के सामने नए नोटों के ढेर दिए जा रहे हैं, ये पैसे किसके हैं? ये पैसे किसके हैं? ये आपके पैसे हैं, जनता जनार्दन के पैसे, आपकी मालिकी के पैसे हैं। इसे लूट लिया गया है और बांट जा रहा है। भाइयों, हम भी तो दिल्ली में बैठे हैं, दो साल होने को आएंगे, एक दाग लगा है क्या? एक दाग लगा है क्या? कहीं से एक रुपये की खबर आई है क्या? अरे भूखा रहना पसंद करेंगे, लेकिन जनता की जेब में से एक रुपया चोरी नहीं करेंगे। भाइयों, क्या तमाही करके रखी है भाई? और यहां पर उद्योग तो बंद हो गए, लेकिन एक उद्योग बड़ा जोरों से चल रहा है। गांव गांव, घर घर फैक्ट्रियां लगी हैं देसी बम बनाने की। ये देसी बम किसके खिलाफ बनाए जा रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी है? भाइयों बहनों, सरकार अपनी कुर्सी की सलामती के लिए काम करे वो सरकार नहीं होती,
जनता की सलामती के लिए काम करे वो सरकार होती है। आप हम बनाओ, आप धमाके करो, आप निर्दोषों को मारो, आप बहन बेटियों को किडनैप करके ले जाओ, जो करना है करो, लेकिन बटन मेरा दबा देना। जब चुनाव हो तो वोट मुझे डाल देना। भाइयों बहनों, देश कभी ऐसे नहीं चल सकता, प्रदेश कभी ऐसे बढ़ नहीं सकता। जो गुनहगार है उनके लिए ऐसा खुला मैदान छोड़ करके, चुनाव तो जीते जा सकते हैं लेकिन जनता जनार्दन के दिल नहीं जीते जा सकते भाइयों, नहीं। आपने जनता का द्रोह किया है, आपने जनता के सपनों के पीठ में छुरा भोंका है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव ऐसा है जिस चुनाव में आपको आपके भविष्य का निर्णय करना है, बंगाल के भविष्य का निर्णय करना है, नौजवानों की जिंदगी के भविष्य का निर्णय करना है। हम चारों तरफ देश में उद्योग लगे, देश में कृषि अच्छी हो इसकी चिंता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खोलने के लिए काम कर रहे हैं, यहां की सरकार उसमें भी रुकावटें डाल रही है। मैं तो हैरान हूं, हम गरीबों को सस्ते में चावल देते हैं, 27 रुपया एक किलो पर, 27 रुपया भारत सरकार की तिजोरी से देते हैं ताकि गरीब की थाली में चावल आ जाए। और ये दीदी जाकर के बोलती है मैंने दिया। दिल्ली के खजाने से एक किलो पर 27 रुपया गरीब की थाली में चावल के लिए डाला जाता है, तब जाकर के गरीब को सस्ते में चावल मुहैया होता है। और ये काम दिल्ली में आपने जिस प्रधान सेवक को बिठाया है वो प्रधान सेवक की सरकार कर रही है। भाई भाइयों बहनों, मैं सोच रहा था जिन्होंने 34 साल बंगाल को बर्बाद किया, जिन्होंने 5 साल में उसको तबाह कर दिया, क्या हाल किया। जब लेफ्ट वालों ने सरकार गई तो ट्रांसपोर्ट में रैंक था 7 नंबर का बंगाल का। दीदी ने 5 साल जो किया, अभी भी आप 7 पर ही खड़े हैं। कोई प्रगति हुई क्या? एजुकेशन, जब लेफ्ट वाले गए तब बंगाल 12 नंबर पे खड़ा था, आज 5 साल के बाद भी 12 नंबर पे खड़ा है। कोई लाभ हुआ क्या? हेल्थ, आरोग्य, आरोग्य में जब लेट वाले गए तो 11 नंबर पे खड़े थे, आज खस्ते खस्ते कहां पहुंचे, 11 से 10 हो पाए, उससे ज्यादा सुधार नहीं कर पाए। पावर में, बिजली में आप देश में 18 नंबर पर। अगर पावर नहीं, बिजली नहीं तो उद्योग आने वाले नहीं है, रोजगार आने वाला नहीं है, आप देश में 18 नंबर पर। और 5 साल में आपने क्या किया? 18 से 17 पर ले आए। भाइयों बहनों,
आईसीटी रैंक 14 था, 5 साल में 13 हुआ। भाइयों बहनों, फाइनेंस, मैं शारदा की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनेंस आप उस समय भी 8 पर थे, 5 साल के बाद भी 8 पर है। हिसाब लगा के देखिए, कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर हुआ तो बम बनाने के कारखाने नए खुल गए, लोगों को मौत के घाट उतारने के कारनामे होते गए। और यहां की सरकार इसको बुरा मानती ही नहीं है। ऐसी कैसी सरकार कि जो इतने बड़े खतरे को खतरा न माने, आपकी जिंदगी का क्या होगा इसका आप अंदाज कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, क्या आपको ऐसे बेसहारा छोड़ा जा सकता है? आपको ऐसे बर्बाद होने दिया जा सकता है? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आया हूं आज, हमारा एक ही मंत्र है भाइयों, एक ही मंत्र है। मेरा एक 3 पॉइंट का एजेंडा है, उसी को मुझे लागू करना है। 3 पॉइंट का मेरा एजेंडा है। एजेंडा नंबर 1, विकास। मेरा एजेंडा नंबर 1 है विकास। एजेंडा नंबर 2 है तेज गति से विकास, और एजेंडा नंबर 3 है चारों तरफ विकास। हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास में है भाई, सारी समस्याओं का समाधान विकास में है। कौन कहता है भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता? भाइयों बहनों, पिछली दिल्ली की सरकार कोयले में उसके हाथ काले हो गए, कोयले में से ही नोटें निकाली। बोलो कैसे जादूगर है ये लोग, कोयले में से भी नोटें निकाली। और सीए जी ने कह दिया 1,80,000 करोड़ का घोटाला हुआ। मैं भी बंगाल में चुनाव सभाओं में आया तो बोलता था 14 में, लेकिन जब मैं सरकार में बैठा, हमने कोयले का ऑक्शन किया, ट्रांसपेरेंसी से ऑक्शन किया, पर्दे पर सारे पत्रकार बैठ करके देख रहे थे कैसे ऑक्शन हो रहा है, और लाखों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की तिजोरी में आ गए, कोयला गया, लेकिन 1 रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। भाइयों बहनों, मुझे बताइए भाइयों बहनों, एक गैस सिलेंडर, इसको भी पाना हो तो किसी नेता का कुर्ता पकड़ना पड़ता था कि नहीं? सिफारिश लगानी पड़ती थी कि नहीं? हाथ पैर पकड़ने पड़ते थे कि नहीं कि भाई अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, अलग रहने गया है, जरा एक गैस का सिलेंडर का कुछ कर दो, गैस का कनेक्शन दे दो। बहू आई है, नहीं नहीं उसको चूल्हे पर पकाना नहीं आता है, जरा गैस का सिलेंडर ला दो। गैस का सिलेंडर मिलता था क्या? मिलता था क्या? कहां जाता था? भाइयों बहनों, मैंने इस बार बजट में कहा है 5 करोड़ गरीब परिवारों को, जिनके घर में आज लकड़ी का चूल्हा जलता है, ऐसे 5 करोड़ गरीब परिवारों को सरकार सामने से गैस का कनेक्शन देगी। हर साल 1.5 करोड़ लोगों को देंगे, 3 करोड़ साल में 5 करोड़ परिवारों को देकर के दिखाऊंगा। भाइयों बहनों, एक माता लकड़ी का चूल्हा जलाती है और खाना पकाती है, तो जो वैज्ञानिक लोग हैं उनका कहना है उसके शरीर में 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में जाता है। एक मां
अगर खाना पकाने के लिए लकड़ी का चूल्हा जलाती है तो उसके शरीर में एक दिवस में 400 सिगरेट का धुआं उसके शरीर में जाता है। मुझे बताइए मेरी उन माताओं बहनों के शरीर का क्या हाल होता होगा। क्या इन माताओं बहनों की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये मजबूरन 400 सिगरेट का धुआं उनके शरीर में जा रहा है, उन गरीब माताओं को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और घर में छोटे छोटे बालक भी उसी धुएं के शिकार होते हैं। और इसलिए मैंने निर्णय किया 5 करोड़ गरीब परिवार जो लकड़ी के चूल्हे से जिंदगी गुजार करते हैं उनको सरकार गैस का सिलेंडर देगी। गरीबों के लिए काम कैसे होता है इसका यह नमूना है भाइयों बहनों। अभी हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई। ये मुद्रा योजना किसके लिए है मालूम है? सामान्य लोगों के लिए। ये मुद्रा योजना अगर पहले किसी ने बनाई होती ना तो ये शारदा वाला कांड नहीं हुआ होता भाइयों, शारदा वाला कांड नहीं हुआ। छोटे छोटे लोग 5,000 रुपया चाहिए, 10,000 रुपया चाहिए, 50,000 रुपया चाहिए, 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया चाहिए तो बैंक वाले देते ही नहीं थे। बैंक के दरवाजे उनके लिए बंद थे, बेचारों को साहूकार के पास जाना पड़ता था और साहूकार ऐसा चीर करके ब्याज लेते थे, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, और वो बेचारा गरीब आदमी मर जाता था। छोटा दुकानदार मर जाता था, रिक्शा वाला मर जाता था, ब्याज देने में जिंदगी खत्म हो जाती थी। हमने एक योजना बनाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और बैंक वालों को कह दिया कोई गारंटी लिए बिना ऐसे जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, दूध बेचता है, नाई का दुकान चलाता है, धोबी की दुकान चलाता है, पान का ठेका चलता है, चबाना बेचता है, रसगुल्ले बेचता है, चाय बेचता है, उसको ऐसे छोटे छोटे लोगों को पैसे दो, उनको ब्याज के चक्कर से मुक्त कराओ, उनको ताकत दो। और भाइयों बहनों मैं आज गर्व के साथ कहता हूं इतने कम समय में 3,30,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को मुद्रा योजना से गारंटी के बिना पैसा दिया और करीब करीब 1,25,00,000 करोड़ रुपया उनको दिया। 1,25,00,000 करोड़ रुपया भाई, रोजगार चलेगा कि नहीं चलेगा? हमारा देश, पहले की सरकारें अमीरों के लिए काम करती थी। अगर कोई बड़ा मॉल बनाए, 5-स्टार मॉल, 7-स्टार मॉल, अंग्रेजी में माल बेचने वाले खड़े हो, बढ़िया सा पैकिंग किया हो, अगर ऐसे मॉल है तो 7 दिन तक उनको खुला रखने की छूट, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी खुला रखने की छूट। कोई अफसर जाकर के डंडा नहीं पटकता है, कोई पुलिस वाला जाकर के डंडा नहीं पटकता है, वो तो 2400 घंटे 7 दिन 365 दिन अपना व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हमारे खड़गपुर में कोई छोटा दुकानदार होगा, वो अगर छुट्टी के दिन खुली रखेगा तो अफसर आएगा, डंडा मारेगा, रुपये मार लेगा, शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद दुकान खुली रखेगा, बंद करो, क्यों खुली रखी है? क्यों भाई? वो 5-स्टार वालों को तो खुला रखने की छूट, 7-स्टार वालों को खुला रखने की छूट, बड़े बड़े मॉल जहां गाड़ियां आती है वो तो छूट, लेकिन गरीब दुकानदार उसकी दुकान बंद क्यों करवाते हो? हमने इस बार बजट में निर्णय कर दिया अब ये गरीब दुकानदार भी 7 दिन खुली रख सकता है, रात देर तक खुली रख सकता है। भाई हम गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है, गरीबों का भलाई करने वाली सरकार है। हमारे किसान ओले गिरे तो किसान मर जाए, पानी पड़े तो किसान मर जाए, पानी न पड़े तो किसान मर जाए, सूखा पड़े किसान मरे,
ज्यादा पैदावार हो तो भी किसान मरे। भाइयों बहनों, किसान को सुरक्षा देने के लिए हम ऐसी एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं कि जिसके कारण अब किसानों को किसी भी संकट का सामना करने की ताकत मिल जाएगी। पहली बार हिंदुस्तान के किसानों के कल्याण का काम किसी ने किया है तो दिल्ली में आपकी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। हिंदुस्तान का अगर भला करना है, मैं साफ इस बात को समझता हूं, क्षमा करें, अजान चल रही थी, हमारे कारण किसी की पूजा प्रार्थना में
तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं कुछ पल विराम ले लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम विकास की नई ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। आज पूरे विश्व में एक बात निश्चित हो गई है, पूरी दुनिया में अगर तेज गति से चलने वाली इकोनॉमी किसी देश की है, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरे भाइयों बहनों, आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन उसका लाभ बंगाल को अगर लेना है तो ये दो सरकारें कभी नहीं ले पाएंगी, क्योंकि उनके इरादे ठीक नहीं हैं, उनके मकसद ठीक नहीं हैं, और वह मिलकर के एक ही काम लेकर के चल पड़े हैं, कुछ भी करो भारतीय जनता पार्टी को पराजित करो। भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं, अगर हिंदुस्तान का विकास करना है, आप देख लीजिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला है, उन राज्यों का हाल देख लीजिए। आप देखिए, कर्नाटक में हमने सरकार बनाई थी, हमने गोवा में सरकार चलाई है, महाराष्ट्र में हमारी सरकार चल रही है, गुजरात में सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, इन सारे राज्यों में आप विकास के आंकड़े देख लीजिए, और जहां भाजपा की सरकारें नहीं है उन राज्यों की दुर्दशा देख लीजिए। भाई, हमने अपने काम से सिद्ध कर दिया है कि जहां जहां भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला है, उन राज्यों को हमने एक नई ऊंचाइयों पर लाकर के खड़ा कर दिया है। जो राज्य बीमारू गिने जाते थे, वो राज्य भाजपा के हाथ में आए, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हमने उस बीमारू का कलंक मिटा दिया। भाइयों बहनों, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल को मुसीबतों से निकालना है तो भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल ही काम आने वाला है, और हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो भारत का पश्चिमी किनारे का विकास होने से काम चलने वाला नहीं है। कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ये पूरा बेल्ट का विकास हो, और पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, ये राज्यों का अगर विकास नहीं होगा तो हिंदुस्तान का विकास अधूरा रहेगा। और इसे भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत के पूर्वी छोर का विकास, ये मेरा सपना है। उस सपने को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अवसर दो, हम बंगाल को कहां से कहां पहुंचा देंगे, आसाम को कहां से कहां पहुंचा देंगे, आप हमें सेवा करने का मौका दो। इतनी बड़ी तादाद में आप आए, मुझे प्यार दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।